गोवा जाने की जरूरत नहीं है भाई, आपको पटना में ही गोवा वाली वाइब मिलने वाली है। इस बोट का नाम है जेट अटैक और इसके यहाँ पे ऐसे पीछे बैठना होता है। जबरदस्त, ये वाला मजा अगर आपको करना है पटना में तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पे पर्यटन घाट के ऊपर। जबरदस्त जबरदस्त, अरे भैया डर लग रहा भैया। जबरदस्त वाला एक्सपीरियंस रहा रितेश भाई, तक आखिरी सांस तक साथ दिया हमारा एकदम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। पटना में वो सारी चीज़ें हो रही है ना जिसका पहले उम्मीद नहीं हुआ करता था। बिहार में कई जगहों पर हाई स्पीड बोट राइडिंग शुरू हुई है जो कि गंगा रिवर के अंदर होती है, और अब जो है कि पटना में भी आपको हाई स्पीड बोट करने का मज़ा मिलेगा। कहाँ पर है अभी हम लोग हैं पर्यटन घाट पर, और पर्यटन घाट आने का रास्ता ये रहा यहाँ पर। जैसे ही आप आते हैं पटना के दीघा के पर्यटन घाट पर, तो यहाँ पर आपको MV परमहंस मिल जाती है जिसका वीडियो आप पहले देख चुके हैं, यहाँ पर आपको MV कौटिल्या मिल जाती है जिसका वीडियो भी आप पहले देख चुके हैं, और यहाँ पर ये हाई स्पीड बोट राइडिंग का जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो है। इधर अगर लोकेशन अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो ब्रिज है ना दीघा का, आप JP सेतु के जस्ट नीचे आते हैं तो आपको ये मिल जाता है। बहुत लोग लोकेशन के बारे में पूछते हैं, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो पार्किंग के लिए आपको बहुत ही अच्छी जगह यहाँ पर बनाई गई है। काफ़ी स्पेस हो गया है, पहले इतना कुछ नहीं था लेकिन अब बहुत कुछ यहाँ पर बदल चुका है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको इन सब के अलावा एक नया एक्सपीरियंस पटना में करने को मिलेगा। कितना फेयर होगा, कितना टाइम आपको इसमें स्पेंड करने को मिलेगा, वो सारा कुछ बताएंगे, बस वीडियो में बने रहिएगा। भाई को अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर ये टिकट काउंटर है और यहाँ पर आपको टिकट मिल जाते हैं अलग अलग प्राइस के। एक है जेट अटैक का जिसका 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, और एक है ड्रीम वर्ल्ड मोटर बोट का, इसको आपको 250 पे करना पड़ेगा। और ये सारा कुछ बिहार टूरिज्म की तरफ से ही हो रहा है। ये 200 रुपये जो है ये एक बोट है उसका है, 10-8 सीटर बोट जो है उसका 200 रुपये चार्ज है, 4 सीटर बोट जो है उसका 250 रुपये चार्ज है, और 1 राउंड मिनिमम 2 पर्सन 500 रुपीज़ चार्ज है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। सो गाइस अभी यहाँ से नीचे चलते हैं, तो नीचे जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे तो आपको ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिससे आप जाते हैं इस वाले बोट के ऊपर, और इसी प्लेटफॉर्म से आप पहुँचते हैं यहाँ पे जहाँ पर एक बेस बना है, और यहाँ पे सारी की सारी जो बोट है ना वो स्पीड बोट वो सारी लगी हुई है। कि किस तरह के बोट का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जैसा कि हम लोग देख रहे थे, 500, 250 और 200 रुपए का जो टिकट यहाँ पे रखा गया है, तो इन प्राइस लिस्ट में कौन कौन सी बोट आती हैं वो सारा कुछ आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेफ्टी के क्या प्रिकॉशन यहाँ पे लिए गए हैं, तो लाइफ जैकेट्स आपको दी जा रही है ताकि आप अगर स्विमिंग करना आपको नहीं आता है, अगर ऐसा कोई घटना ना हो, लेकिन अगर होता है तो आप बिल्कुल ही सेफ हैं। उसके साथ ही साथ काफ़ी प्रशिक्षित जो बोट चलाने वाले लोग हैं ना उनको रखा गया है टूरिज्म विभाग की तरफ से, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। पहले देखिए कई किस्म की बोट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, एक ये है, एक ये बोट मिल जाती है, यहाँ पर बोट मिल जाती है, वहाँ मिल जाती है, और लास्ट में वहाँ पर खड़ी है जेट अटैक जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा है। ये जो बोट है ना जेट अटैक, इसका भी एक्सपीरियंस हम लोग करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ हैं रितेश भाई, कैसे हैं? बढ़िया। मतलब पटना में तो पहली बार ही हो रहा है? पहली बार, पहली बार हो रहा है। कैसी कैसी बोट्स हैं आपके पास, क्या क्या जरा बताइए? हमारे पास 10 सीटर बोट है, 8 सीटर बोट है, 4 सीटर बोट है, और जेड अटैक है। ओके, हाई स्पीड जेड अटैक का है। इसके बाद 10 सीटर है, 8 सीटर है और 4 सीटर। अच्छा अच्छा, ये सारी बोट्स जो है कैसे परफॉर्म करती है पानी? बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त है ना। सबसे तेज वाली कौन सी है? जेड अटैक है, व्हाइट कलर वाली सबसे तेज वाली है। ये है। ये इसमें क्या फीचर्स है, कितने लोग बैठते हैं? दो लोग बैठते हैं। हाँ। एक पीछे यहाँ पे। हाँ। ये चलाएंगे। हाँ। और एक आगे। भैया चलाते हैं तो टेंशन उनसे नहीं होता ना? सर मुझे टेंशन नहीं होता है, मैं इससे पहले भी बहुत पहले से काम कर रहा हूँ। हाँ। और मैं गोवा में भी काम कर चुका हूँ। अच्छा, मुंबई में भी काम। मुंबई से स्पेशली इनको बुलाया गया जेट अटैक के लिए। अच्छा 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 जी। तो जैसा कि भैया बता रहे हैं कि भैया पहले गोवा में भी आप राइड करा चुके हैं। हाँ सर। तो यहाँ का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो कैसा है और वहाँ का कैसा था? सर वहाँ पे क्या है कि लाट वगैरह और वेब का बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहता था, और यहाँ वैसा कुछ नहीं है, यहाँ नॉर्मल पानी है। चलिए ठीक है, मतलब कि हम लोग सेफ हैं जी। तो अभी हम लोग यहाँ पे राइड शुरू करेंगे। जैसा कि टिकट का प्राइस था वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा एक बात बताइए कि कितना देर तक हम लोग पानी में रहते हैं? 2.5 से 2 किलोमीटर का राइड होता है हमारा। हाँ हाँ हाँ। वो राउंड अप करते हैं और एक बीच में उतरा। चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग राइड करेंगे और राइड करके देखें। चलिए शुक्रिया रितेश भाई, थैंक यू। अभी जैसे कि सेफ्टी के व्यू से लोगों के अंदर सवाल आते होंगे, तो यहाँ पर मनीष भाई हैं जो कि नेशनल स्विमर हैं, और मैं यहाँ वाटर एडवेंचर में काम करता हूँ, और मुझे मेरा सब चीज़ चेक करके रखा गया है। मैं नेशनल स्विमर भी हूँ, साथ ही साथ बिहार से 10 टाइम नेशनल प्रेजेंट कर चुका हूँ, और मैंने अपना रिज्यूम डाला तो यहाँ के सर ने, मुझे बहुत खुश हुआ कि मुझे दो तरह का मिल गया, ऑपरेटर भी मिल गया,
लाइफ सेफ्टी भी मिल गया क्या बात सब स्विमिंग के साथ। मनीष भाई ऐसा नहीं कि हमारे वीडियो में फर्स्ट टाइम आ रहा है, इससे पहले जब पहले भी सर के साथ मिल चुका हूं। हाँ, स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स किया था तो उससे भी मुलाकात हुई थी। जैसा कि सेफ्टी का इशू है तो इसलिए हम लोग को पहले ये जैकेट उतार देनी है और इसके बाद फिर हमें लाइफ जैकेट पहनना है। ये लाइफ जैकेट आपको बचा लेता है सब चीजों से, टेंशन नहीं लेना। इसको पहन लेने के बाद आप पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं, कोई डर कोई टेंशन कुछ भी नहीं है, ये आपको डूबने नहीं देगा। बाकी भाई लोग तो हैं, ये बचा लेंगे हम लोग को, है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमको ये लगी ना कि प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को अरेंज किया गया है और बिल्कुल ही प्रोफेशनली सारा काम हो रहा है। बिहार टूरिज्म की तरफ से ये जो सर्विस शुरू हुई है ना पटना में, तो गोवा जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, आपको पटना में ही वो गोवा वाली वाइब मिलने वाली। तो हम लोग अभी जा रहे हैं जेट अटैक के ऊपर और इसी से हम लोग निकलेंगे। चलो सर, क्या बात। तो ये हम लोग आ चुके हैं, इस बोट का नाम है जेट अटैक और इसके यहाँ पे ऐसे पीछे बैठना होता है, है ना। तो गाइज अभी बोट हो चुकी है शुरू और हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से। अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं बोट से और अब बैठ जाते हैं क्योंकि इसका हाई स्पीड शुरू होने वाला है। जबरदस्त, अरे क्या बात है यार, ये वाला मजा अगर आपको करना है पटना में तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पे पर्यटन घाट के ऊपर। जबरदस्त जबरदस्त, अरे भैया डर लग रहा भैया, तो एक बार जरूर आइए यहाँ पर हाई स्पीड ये बोट राइड करने के लिए। वाह वाह क्या बात है भाई, बहुत मजा आ रहा, जबरदस्त। वो ओए होए, जबरदस्त वाला एक्सपीरियंस था भाई, ये वाला एक्सपीरियंस आप कभी नेवर नेवर नेवर, जबरदस्त। सो गाइस फाइनली हम लोग राइड वाइड करके आ चुके हैं और जबरदस्त वाला एक्सपीरियंस रहा। रितेश भाई तक आखिरी सांस तक साथ दिया हमारा, एकदम आगे ऐसे तब करके बैठे हुए थे और मुझे लिटरली डर इसलिए भी नहीं लग रहा था कि आप साथ थे। और भाई एक्सपीरियंस फुल राइडर है और इन्होंने बहुत सारी ऐसे राइड किए, गोवा में भी राइड किए और मुंबई की चौपाटी में भी राइड किए आपने, कोटा में भी, कोटा जो गांधी सागर डैम है वहाँ पे भी मैंने राइड किया हूँ। अच्छा 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 अच्छा, भाई बिहार के ही रहने वाले लेकिन पूरा इंडिया लगभग घूम चुके हैं, तो जब वहाँ पे समुद्र में वेव्स तो और भी हाई होती होंगी। होता ही होता है सर। हाँ। और वहाँ वेव्स नहीं बोलते, लाट बोलते हैं और लाट कम से कम 11 12 10 आते रहते हैं ऐसे। अच्छा अच्छा, एक के बाद एक के बाद ये ऊपर से निकलती चली जाती है। वो ऊपर से निकलती चली जाती है, कभी कभी तो लाट हमारे पानी बोट में आ जाता है। अच्छा 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 अच्छा, रितेश भाई आप लोगों ने जो ये चीज शुरू की है ना पटना में, लिटरली पटना वालों को ये बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि पटना वालों को बस चीज़ें नई नई चाहिए, बस है ना। तो नई नई सारी चीज़ें आ गई। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि बिहार के पटना में जेपी सेतु के नीचे पर्यटन घाट पर आपको ये सारा फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलने वाला है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि आप गोवा जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा कुछ यहीं पर कर लीजिएगा और ज़बरदस्त वाली मस्ती करिए। तो पटना वालों आइए और आकर के मज़ा लीजिए, बिहार टूरिज्म ने एक चीज़ शुरू की है आपके लिए जिसका एंजॉय आपको लेना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप वीडियो अच्छा लगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।